हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह से कुल्लू जिला के निर्मल उपमंडल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के निर्माण मंडल कार्यालय परिसर में बरसात के दौरान आई आपदा के बाद सड़क को रिकॉर्ड समय में योग्य बनाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि करीब 3.5 करोड़ की लागत से बने ड्रोपा और कैदस पुल को रिकॉर्ड समय करीब 15 दिन में तैयार किया गया। इससे पहले 3 करोड़ की लागत से बागी पुल को 5 दिन में तैयार किया गया था। उन्होंने इस दौरान कैदस और ड्रोपा पुल का भी विधिगत लोकार्पण किया। अभी हमने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ 15 करोड़ रुपए के और ऐसे नए बेली ब्रिजेस प्रदेश में लेने के निर्णय लिया है, जिसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। अभी हमने हाल ही में पिछले कल ही मंडी जिला के एक ब्यास नदी पर जो है कुनकातर ब्रिज है, उसका भी हमने शिलान्यास किया है और अगले मार्च तक उसको भी बनाने पे सरकार पूरा प्रयास करेगी, विभाग पूरा प्रयास करेगी। और ऐसे और भी, जैसा मैंने कहा कि करीबन 15-20 ब्रिजेस खरीदे जाएंगे, पूरे प्रदेश में उनको रखा जाएगा और जहां पर भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है इमीडिएट उनको लगाने का काम किया जाएगा और लोगों को हर तरीके से सुरक्षित करना, उनके माल को समय पर मंडी में पहुंचाना, उनको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों का जाल को मजबूत करना, ये हमारी सरकार का वचनबद्धता है, दायित्व है।